पार्ट नंबर 37, पेशकश मीरे कारवान। कॉटेज के बरामदे की बत्ती जल रही थी। बमला और शोभा बरामदे में ही कुर्सियां डाले बैठी हुई थी। बमला ने उठकर हमारे हाथों से शॉपिंग बैग ले लिए और अंदर चली गई। कॉटेज की तरफ आने वाला रास्ता बल खाता हुआ था और उस रास्ते के दोनों तरफ तनावर पौधे थे। कॉटेज के बरामदे में बैठा हुआ आदमी कुशादा रास्ते पर आने जाने वाले किसी शख्स को नहीं देख सकता था, लेकिन बाहर का कोई भी आदमी चाहे तो पौधों में छुपकर बड़ी आसानी से कॉटेज की निगरानी कर सकता था। मैं बरामदे में बैठा सामने देखता रहा, लेकिन ना तो कोई आर्ट हियोला दिखाई दिया, ना ही कोई आहट सुनाई दी। बाहर खुली फिजा में बैठना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हुनकी बढ़ गई थी और मच्छरों ने भी यलगार कर दी थी। हम उठकर अंदर आ गए। शोभा ने मेरे चेहरे पर से मेरे बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगा लिया और मैंने भी महसूस किया था कि पहले एक दो रोज के दौरान में वो गहरी नजरों से मेरी तरफ देखती रहती थी। मैंने शायद ये बात खास तौर पर नोट कर ली थी। गुफ्तगू के दौरान में जब मेरे वालदेन या थाई या जानकी का तस्करा होता तो मेरे चेहरे पर उदासी छा जाती थी, और पिछले 2-3 दिनों के दौरान मैं तो खुद अपने आप में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। कभी लगता था जैसे मेरी कोई कीमती चीज़ खो गई हो, और कभी मैं खुद बैठे बैठे खो जाता। इस वक्त मैं शोभा के कमरे में बैठा हुआ था। बमला हमें चाय बनाकर दे गई थी और वो सोनिया के साथ किचन में कामों में मसरूफ थी। मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ तुम कुछ बुझे बुझे रहने लगे हो, शोभा ने चाय की चुस्की लेकर मेरी तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले तो मैंने तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखा है, लेकिन जब भी कभी जानकी वगैरह का जिक्र आता है तो तुम एकदम उदास हो जाते हो। तुम खुश रहा करो ना, तुम हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हो। हंसते मुस्कुराते चेहरे तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी खुशियाँ तो न जाने कहाँ हो गई, खो गई हैं। अजीब सी वहशत और बेचैनी रहने लगी है, उन्होंने गहरा सांस लेते हुए कहा। हाँ मैं देख रही हूँ, शोभा ने कहा। खुशी तो एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। जब कोई इंसान खुश होता है तो उसे दुनिया की हर चीज़ हसीन लगती है, लेकिन जब इंसान अंदर से उदास होता है तो दुनिया की खूबसूरती उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए कहते हैं कि जब मन का मौसम पुरकैफ और पुरबहार होता है तो बाहर का मौसम खुद ब खुद सुंदर लगने लगता है। याद रखो, खुशियों की कोई प्लेट में सजाकर हमारे सामने पेश नहीं करता, हमें खुद ही खुशियां तलाश करना पड़ती हैं। इंसान को चाहिए कि वह छोटी छोटी बातों पर खुश होना सीखे, क्योंकि एक रोज़ ये छोटी छोटी खुशियाँ खुद ब खुद बड़ी खुशियों में बदल जाएंगी। हमेशा खुश रहने की कोशिश करो और दूसरों को भी खुश रखो। दूसरों में खुशियाँ बांटने से खुशियाँ कम होने के बजाय दुगनी हो जाती हैं। वो बातें जिनके याद करने से दिल को तकलीफ पहुँचती है, उन बातों को बुलाने की कोशिश करो, क्योंकि बार बार कुरेदने से जहम भरता नहीं बल्कि नासूर बन जाता है। इसलिए हमें हर किसी को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और ज़िंदगी से भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज़ होना चाहिए। वो खामोश होकर चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी। मेरे हालात से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, मुझसे ज़्यादा दुखी कौन होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मेरी ये एक परेशानी दूर हो जाए तो देखना मैं किस तरह बदलती हूँ। पति के जिंदा रहने तक मैंने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, उनके बाद बस उन्हीं की कमी महसूस हुई, उसके सिवा मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। शोभा का लेक्चर हासा तवील हो गया था, मैं भी दूसरों को ऐसे ही लेक्चर दिया करता था। मैं दुखी था मगर दूसरों को सुखी रहने की तलकीन करता था, और अब शोभा वो मुझे लेक्चर दे रही थी, हमेशा खुश रहने का मशवरा दे रही थी, गुजरे हुओं को भूल जाने की तलकीन कर रही थी, लेकिन खुद शोक की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी। और वो शोक की ये सफ़ेद चादर पति की याद को उसके दिल में ताज़ा रखे हुए थी। आप शायद मुझे तसल्ली देने के लिए ये सब कुछ कह रही हैं, हालांकि आपने खुद ये सफ़ेद साड़ी, मैं कहते कहते रुक गया।
और फिर अचानक ही मुझे ख्याल आ गया कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये सफ़ेद साड़ी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, महज दुनिया को दिखाने के लिए है। उसके लिए तो मैंने भी अपना मन मान रखा है। बेशक इसे पहनने के लिए मैंने अपने मन को मार रखा है, लेकिन अब मैं भी इससे आजिज आ गई हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी दुनिया के हंगामों में हिस्सा लूँ, रंगीनियों में रंगी जाऊँ। और मेरा दिल है कि आपका दिया हुआ लेक्चर मुझे दोहराना चाहिए। मैंने इसकी बात काट दी, शोभा ने हल्का सा कहका लगाया। उसके चंद सेकंड बाद ही बमला हाली कप लेने आई तो हम भी उठकर लाउंज में आ गए। शोभा किचन में खाने की तैयारी में मसरूफ हो गई। बमला हमारे पास बैठ गई। अब हमारी गुफ्तगू का मौजू भी बदल गया था। इसी दौरान में सोनिया भी हमारे पास आकर बैठ गई। आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा, उसने बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए कहा। शोभा सर हिलाकर रह गई और फिर वो ठाकुर के बारे में बातचीत करने लगी। उसे ठाकुर की शख्सियत बहुत पसंद आई थी। अभी हम बातें कर रहे थे कि बाहर से हल्की सी आहट सुनकर मैं चौंक गया। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई छोटा सा पत्थर लुढ़का हो, और मेरा ख्याल था कि वो आवाज़ हर किसी ने सुनी थी, क्योंकि उनमें से हर किसी के चेहरे पर रद्देअमल ज़ाहिर हुआ था। लेकिन मैं इस आवाज़ को अपना वहमा भी नहीं समझ सकता था। मैंने बाएं हाथ की छोटी उंगली उठा दी और अपनी जगह से उठते हुए कदरे ऊंची आवाज़ में बोला, अब बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। मैं बाथरूम से होकर आऊँ तो हम ये सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से टूटा था। बस चंद मिनट। मैंने एक हाथ पेट पर रख लिया। मैं कदरे झुककर चलते हुए शोभा वाले कमरे में घुस गया। इस तरह मैं उसे ये तासर देना चाहता था कि मेरे पेट में शदीद किस्म का मरोड़ उठ रहा है। शोभा वाले कमरे में आकर मैंने बीच का दरवाज़ा खुला ही रहने दिया और सीधा होकर तेज़ी से आगे बढ़ा। उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहर की तरफ भी खुलता था और मेरा रुख उसी तरफ था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से बॉलर हटाया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोलने लगा। सोनिया लाउंज वाले कमरे में ऐन सामने वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने मुझे कमरे का बैरूनी दरवाज़ा खोलते हुए देख लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसे कोई तासुर नमूदार नहीं हुआ जिससे शोभा या बमला को किसी किस्म का शुबा हो सकता था। मैं कमरे से निकलकर दबे पाऊँ कदमों के साथ दीवार के साथ साथ चलते हुए कॉटेज की पिछली तरफ बढ़ने लगा। पत्थर लुढ़कने की वो आवाज़ उसी तरफ से आई थी। मेरा शुबा दुरुस्त निकला। एक इंसानी हियोला खिड़की के करीब खड़ा अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। ये लाउंज की एक भी खिड़की थी, लेकिन अंदर की तरफ से दबीज पर्दा पड़ा हुआ था और उस शख्स को शायद अंदर देखने में दुश्वारी पेश आ रही थी। वो बार बार अपनी जगह बदल रहा था और फिर एक जगह उसने आंखें शीशे के साथ चिपका दी। वहां कोने से शायद पर्दा जरा सा हटा हुआ था और उसे अंदर देखने का मौका मिल गया था। मेरा ख्याल था कि मैं पीछे से जाके उसकी गर्दन दबोच लूंगा, लेकिन मैं कॉर्नर घूमकर जैसे ही आगे बढ़ा मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया। पत्थर पुरशोर आवाज से लुढ़कते हुए दूर चला गया। वो आदमी एकदम सीधा हो गया और फिर मुझे देखते ही उसने इंतहाई तेजी से एक समय दौड़ लगा दी। मैं भी उसके पीछे लपका। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये वही आदमी था जो शाम को बाजार से हमारा पीछा करते हुए यहाँ आया था। इस वक्त वो आगे निकल गया था और अब मौका पाकर कॉटेज के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। उसकी रफ्तार हाथी तेज थी। वो पलक झपकने की देर में मुझसे तकरीबन 20 कस आगे निकल गया था और फिर शायद उसका पैर झाड़ियों में उलझ गया था। वो लड़खड़ा कर गिरा। वो उठने की कोशिश कर रहा था कि मैं दौड़ते हुए पूरी कुव्वत से उछला और हवा में उड़ते हुए उसके ऊपर जा पड़ा और उसे साथ लेते हुए झाड़ियों में ढेर हो गया। उसने अपने आप को छुड़ाकर उठने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश में मेरा हाथ उसकी गर्दन पर मेरा हाथ उसकी गर्दन की झूलती हुई चुटिया पर पड़ गया। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था, ये वही आदमी था। मैंने चुटिया को मुट्ठी में लेकर जोर से छटका दिया। वो करा उठा और फिर शायद तकलीफ की परवाह किए बगैर उसने अपने सर को जोरदार झटका देकर
चुटिया को मेरी ग्रिप से छुड़ा लिया और पलटकर अंधाधुंध भागता चला गया। उसका घोंसा मेरी गर्दन पर लगा, मैं लड़खड़ा गया। संभलने से पहले ही दूसरा घोंसा खोपड़ी पर लगा। मेरा दिमाग झंझना उठा। उसकी तीसरे वार से बचने के लिए मैं तेजी से नीचे झुक गया। इस मर्तबा उस शख्स का वार हाल ही गया और वो अपनी जगह पर घूम कर रह गया। मैंने उसके पेट पर घोंसा रसीद किया तो वो कराकर दोहरा होता गया। मैंने किसी तवक्कुफ के बगैर एक दो घोंसे और जड़ दिए। वो पेट पकड़ते जैसे ही मजीद नीचे झुका, मैंने उसकी गर्दन पर दो हत्थड़ मार दिए। वो मुंह के बल मेरे कदमों में गिरा और उसके साथ ही उसे मौका भी मिल गया। उसे मेरे दोनों पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया, मैं पुश के बल गिर पड़ा। वो मुझसे पहले उठकर खड़ा हो गया और मुझे संभलने का मौका दिए बगैर मेरे जिस्म पर ठोकरें बरसाने शुरू कर दिए और फिर एक ठोकर मारने की कोशिश में उसका अपना पैर फिसल गया। वो लड़खड़ाया तो मुझे संभलने का मौका मिल गया और इस मर्तबा मैंने उसे ठोकर पर रख लिया। मेरी हर ठोकर और मेरा हर घोंसा उसे बिलबिलाने पर मजबूर कर देता था। मैंने एक चोट से उसके कंधे पर वार किया, वो जरा सा पीछे हटा था और मेरा ये चोट कुल्हाड़े की तरह उसकी हंसली की हड्डी पर लगा। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। वो नीचे गिरकर तड़पने लगा। मैंने इसे दो तीन ठोकरें रसीद कर दी, लेकिन वो मौका पाकर उठ गया और अंधाधुंध लान को बहा दी। ठोकर मेरी पिंडली पर लगी, मैं कराहते हुए एक टांग पर नाच कर रह गया। मेरा ख्याल था कि वो शख्स हमला करेगा, लेकिन उसने एक तरफ छलांग लगा दी। मैं भी अपनी जगह से उछला और उसके ऊपर गिरा। उसकी एक टांग मेरी गिरफ्त में आ गई थी और वो जोरदार झटके देते हुए अपनी टांग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान में कॉटेज की तरफ से बमला और सोनिया की आवाजें सुनाई दी। वजदान, कहाँ हो तुम? क्या हो रहा है ये? कौन है वो उधर? ये सोनिया की आवाज थी। उन्होंने मेरे हरीफ की चीख और उठा पटक की आवाजें सुन ली थी। बमला और सोनिया शायद इसी तरफ दौड़ी आ रही थी। उन दोनों की आवाजों की वजह से मेरी तवज्जा एक लम्हे को बटी थी, जिससे उस शख्स को मौका मिल गया। उसने जोर से मेरे कंधे पर दूसरे पैर की ठोकर मारी। उसकी टांग मेरी ग्रिफ से निकल गई और वो उठकर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। वो मुझसे काफी आगे निकल चुका था। मैं उसके पीछे भागता रहा, लेकिन वो कदावर पौधों और झाड़ियों में गायब हो गया। अंधेरे में उसकी दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी और मैं उस आवाज का ताकुब कर रहा था। फिर अचानक ही मेरा पैर झाड़ियों में उलझ गया। मैं मुंह के बल गिरा। ये भी गनीमत था कि मैं झाड़ियों में ही गिरा था। अगर पत्थरों पर गिरता तो अच्छी खासी चोट आ सकती थी। दौड़ते हुए कदमों की आवाजें भी अब गायब हो चुकी थी। वो शख्स तारीकी में बहुत दूर निकल गया था और ऐन मुमकिन था कि अब तक पहाड़ी के दामन में पहुंच गया हो। अब उसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं था। बमला और सोनिया मुझे आवाजें दे रही थी। मैं उठकर उस तरफ चल पड़ा। वो दोनों मुझे कॉटेज से 10-12 गज दूर ही मिल गई थी। क्या हुआ? कौन था वो? सोनिया ने मेरा बाजू पकड़ लिया। वही था जिसने शाम को हमारा पीछा किया था, भाग्य हरामी, मैंने एक तरफ थूकते हुए जवाब दिया। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई हिम्मत सिंह? बमला चलते चलते मुझे टटोलने लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई चोट नहीं आई, मैंने कहा। हम कॉटेज के करीब पहुंचे तो शोभा भी अपने कमरे के बाहर वाले दरवाजे के करीब खड़ी थी। उसने भी सवालात की बौछाड़ कर दी। पता नहीं कौन था, खिड़की में से झांकने की कोशिश कर रहा था। मैंने पकड़ने की कोशिश की तो भाग निकला, मैंने जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि कोई बाहर खड़ा खिड़की से झांक रहा है? शोभा ने पूछा। उस वक्त हम अंदर आ गए थे। जब हम यहाँ बैठे बातें कर रहे थे तो मैंने किसी पत्थर के लुढ़कने की आवाज़ सुनी थी और इस वक्त मुझे किसी बाहर से किसी की मौजूदगी का शुबा हुआ था, मैंने कहा। और फिर मैं उसके बाद की बात बताने लगा। मगर वो कौन था और इस तरह खिड़की से क्यों झांक रहा था? शोभा ने कहा। उसके लहजे में तशवीश नुमाया थी और मेरा ख्याल है कि वो मामले की तय को पहुंच रही थी। पता नहीं कौन था, मैंने जवाब दिया। शाम को जब हम बाजार से लौटे थे तो उस वक्त उसने हमारा पीछा किया था। सोनिया ने मेरी तवज्जो तो दिलाई थी, मगर मैंने इतनी परवाह नहीं की थी।
और वो उसी रास्ते पर ऊपर चला गया था। ये आदमी एक दो मरतबा कॉफी हाउस में भी आया था, सोनिया ने बताया। क्या, मैं उछल पड़ा। जयपुर में जब देशमुख से हमारा मामला चल रहा था तो पहली मरतबा मैंने इसे देशमुख के साथ देखा था। उसके बाद भी ये एक दो मरतबा कॉफी हाउस में आया था, सोनिया ने कहा। ओह, मैं इस इंकशाफ पर चौंक के बगैर नहीं रह सका था। तुमने शाम को ये बात क्यों नहीं बताई जब वो हमारा पीछे कर रहा था? उस वक्त ये बात मेरे जहन में नहीं रही थी। इस वक्त ये बात मेरे जहन में भी नहीं रही थी, सोनिया ने जवाब दिया। अब ये बात मेरी समझ में आ गई। शाम को हमारा ताकुब महज इत्तफाक नहीं था, वो गुंडा देशमुख का ही आदमी था और उसे शोभा की तलाश थी। सोनिया चूंकि शोभा के कॉफी हाउस में काम करती थी और शोभा के साथ वो भी जयपुर से गायब थी, इसलिए उसे यहाँ देखकर उसने सोनिया का ताकुब शुरू कर दिया था ताकि उसके जरिए शोभा का पता लगाया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऋषिकेश में उस शख्स की मौजूदगी महज इत्तफाक थी या वो शोभा की तलाश में खास तौर पर यहाँ आया हुआ था। देशमुख को मैंने परखा नहीं था, लेकिन शोभा और ठाकर से इसके बारे में जो कुछ सुना था उससे अंदाजा होता था कि दारा से भी ज्यादा कमीना और घटिया आदमी है। ऐसे लोग आसानी से अपनी हार नहीं मानते। शोभा के हुसन के साथ साथ करोड़ों की जायदाद भी थी, देशमुख आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ सकता था। शोभा के जयपुर से गायब हो जाने के बाद देशमुख ने उसकी तलाश में चारों तरफ अपने आदमी दौड़ा दिए होंगे। हो सकता है उसे यहाँ शोभा की मौजूदगी की भनक भी मिल गई हो और उसकी तलाश में अपना एक आदमी यहाँ भी भेज दिया हो, या उस शख्स की यहाँ आमद महज इत्तफाक हो और उसको सोनिया को देखकर उसने उसका पीछा शुरू कर दिया ताकि शोभा की मौजूदगी की तस्दीक कर सके। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि वो आदमी बचकर निकल गया। अगर सोनिया उस वक्त ही उसके बारे में बता देती तो मैं उसका कुछ ऐसा बंदोबस्त करता कि वो वापस ना जा सकता, लेकिन अब सूरत हाल कुछ तशवीशनाक हो गई थी। मैंने शोभा की तरफ देखा, उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे थे। अगर ये देशमुख का आदमी है तो अब क्या होगा? शोभा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, उसके लहजे में हल्की सी थरथराहट थी। कुछ नहीं होगा, हमें जरा एहतियात करनी पड़ेगी, मैंने जवाब दिया। एक बात मेरे जहन में भी थी और वो ये कि ये जगह अब हमारे लिए महफूज नहीं थी, हमें किसी और जगह का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि वो शख्स अकेला ही था या उसका कोई दूसरा साथी भी इस शहर में मौजूद था। ऐसी सूरत में हमारे लिए कुछ दुश्वारियाँ पैदा हो सकती थीं। बमला अब भी बार बार मेरे जिस्म को टटोल कर देख रही थी कि मुझे कोई चोट तो नहीं लगी। उस शख्स के चंद घोंद से मुझे पड़े थे, तकलीफ़ तो हो रही थी, लेकिन जाहिर है मेरी ये तकलीफ दूसरों को नज़र नहीं आ रही थी। 11 बज गए थे, हमने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसकी कुछ देर बाद सोनिया ने दरी पर दस्तरखान बिछा दिया और खाना लगाने लगी। हमने तो फिर भी थोड़ा सा खाना खा लिया, लेकिन शोभा के हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। उसने जहां चंद रोज सुकून से गुजारे थे, लेकिन अब उसका सुकून बर्बाद हो गया था। हमने जबरदस्ती उसे कुछ खाना खिला दिया। उस रात हम देर तक जागते रहे। मुझे शुभा था कि उस शख्स का कोई और साथी भी ऋषिकेश में मौजूद हो तो ये रात हमारे लिए भारी हो सकती थी, लेकिन मेरा यह हदशा बेबुनियाद निकला और रात हैरियत से गुजर गई। सुबह हस्पे ममूल में योगी गौतम बोस के कॉटेज में पहुंच गया, अपनी मशक की और 10 बजे के करीब वापस आ गया। शोभा की आंखें सुर्ख हो रही थी और उस रात हम देर तक जागते रहे। मुझे शुभा था कि अगर उस शख्स का कोई और साथी भी ऋषिकेश में मौजूद हो तो ये रात हमारे लिए भारी हो सकती थी, लेकिन मेरा ये हदशा बेबुनियाद निकला और रात हैरियत से गुजर गई। सुबह हस्वे ममोल में योगी गौतम बोस के कॉटेज पहुंच गया और अपनी मशक की और 10 बजे के करीब वापस आ गया। शोभा की आंखें सुर्ख हो रही थी और अनजाने से खौफ से चेहरे पर जर्दी सी खुंड रही थी। मैं नाश्ता करके दोबारा शहर की तरफ आ गया और मकान की तलाश शुरू कर दी। मुझे मायूसी नहीं हुई,
सुबह 4 बजे तक मैंने 3-4 मकान देख डाले। एक बंगला नंबर मकान मुझे बहुत पसंद आया था। ये बंगला ना ज़्यादा गुंजान आबादी में था और ना ही वहाँ आबादी ज़्यादा छिद रही थी। इस इलाके में ज़्यादातर बंगले ही थे। ये बंगले मुख्तलिफ शहरों के रहने वाले उन दौलतमंद लोगों के थे जो गर्मियों का सीज़न यहाँ आकर गुजारते थे। कुछ बंगले मुकामी लोगों ने भी बनवा रखे थे। ये बंगला एक मुकामी आदमी ही का था। बाजार में उसकी ग्रीन ग्रॉसरी और फलों की एक दुकान भी थी। विजय नामी इस शख्स से मेरी मुलाकात एक प्रॉपर्टी एजेंट के तवसत से हुई थी। 3 बेडरूम्स के इस बंगले का लॉन हासा वसी था और उसकी 4 दीवारें भी हासी ऊंची थी। और सबसे बड़ी सहूलत ये थी कि यहाँ टेलीफोन भी मौजूद था और टेलीफोन की वजह से ही ज़्यादा किराया देना पड़ा था। उस रोज़ मैंने योगी देराज से कहकर हिफाजत के लिए 2 आदमी का बंदोबस्त कर लिया था और वो दोनों नेपाली थे। एक दरमियानी कद का था और दूसरा कदरे निकलते हुए कद का मालिक था। वो दोनों चेहरों से ही हरांट लगते थे और उन दोनों के पास पिस्तौल भी थे। मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनका ये असला लाइसेंस याफ्ता था या फिर नाजायज़। मुझे बहरहाल इससे कोई गरज भी नहीं थी। मुझे तो काम चाहिए था। ये बंगला डेकोरेटेड था। 3 बेडरूम्स में और लाउंज में ज़रूरी फर्नीचर मौजूद था। मैंने कुछ और सामान भी डलवा दिया था। ये सारा बंदोबस्त करते हुए मुझे बार बार बाजार की तरफ जाना पड़ रहा था। इस दौरान मेरी नज़रें उस शख्स को भी तलाश करती रही थी लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया और ना ही कोई और मुश्तबा आदमी नज़रों में आया था। मैं जब कॉटेज वापस पहुंचा तो शाम ढल रही थी। मैं बीच में भी एक मरतबा उधर आया था और उनसे कह दिया था कि वो सामान वगैरह पैक कर लें, आज रात ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। मेरी हदायत पर अमल करते हुए सोनिया वगैरह ने तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली थी। सामान वगैरह पैक किया जा चुका था। खाने पीने के कुछ बर्तन भी अभी किचन में थे। मैंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। इस वक्त भी मेरा मूड कुछ सिर्फ चाय को हो रहा था। सोनिया चाय बनाकर ले आई। चाय पीते हुए मैं ज़्यादातर शोभा से बातें करता रहा। वो बेचारी बहुत खौफज़दा थी और मैं उसे तसल्लियाँ दे रहा था। बमला भी उसे बता रही थी कि मेरे होते हुए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसे बता रही थी कि मैंने किस तरह जयपुर में रामू जैसे बदमाश को मारा था और फिर सारस्का के जंगल में गंगोली चौधरी डाकू को किस तरह मौत के घाट उतारा था। चाय पीने के बाद सोनिया ने वो बर्तन धोकर वो भी पैक कर लिए। अब हम लोग यहाँ से रुखसत होने के लिए बिल्कुल तैयार थे लेकिन मुझे गाड़ी का इंतज़ार था। यहाँ आने से पहले मैंने उस प्रॉपर्टी एजेंट के तवसत से किराए की गाड़ी का भी बंदोबस्त कर लिया था और उसे 8 बजे के करीब यहाँ आने का कह दिया था। 7 बजे योगी देराज भी आ गया था लेकिन शोभा आज योगा की प्रैक्टिस के मूड में नहीं थी। यकसोई और जहनी सुकून ना हो तो कोई भी काम नहीं हो सकता और योगा की प्रैक्टिस के लिए तो मुकम्मल यकसोई की ज़रूरत होती है। ठीक 8 बजे गाड़ी आ गई। ये टोयोटा पिकअप थी। सामान लादकर सोनिया और बमला पीछे बैठ गई और मैं और शोभा साथ आगे बैठ गए। कॉटेज को ताला लगाकर चाबी मैंने अपने पास ही रखी थी। ये चाबी कल सुबह कॉटेज के मालिक को वापस कर दी जाती और इत्तफाक से शोभा ने ये कॉटेज भी उसी प्रॉपर्टी डीलर से ही लिया था जिसने मुझे विजय वाला ये बंगला दिलाया था। रात 10 बजे तक हम उस बंगले में सामान सेट कर चुके थे। एक कमरा शोभा को दे दिया गया, एक पर सोनिया और बमला ने कब्जा कर लिया और 3रा कमरा मेरे हिस्से में आया। मेरा और शोभा का कमरा साथ साथ था और बीच में दरवाज़ा भी खुला था। शोभा बहुत सहमी हुई थी। उसने बीच का दरवाज़ा खोल दिया था। हमारे आने के थोड़ी ही देर बाद दोनों नेपाली गार्ड्स ही पहुँच गए तो शोभा को कुछ तसल्ली हुई। मुझे भी सेटअप से अगरचे कुदरती इत्मीनान हो गया था लेकिन मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं था। हमने यहाँ शिफ्ट होने में किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं की थी और किसी किस्म की राजदारी से भी काम नहीं लिया था। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ये शहर इतना छोटा था कि किसी को बड़ी आसानी से तलाश किया जा सकता था और वैसे भी जाहिर है हम 24 घंटे घर में छुपकर तो नहीं बैठ सकते थे ना। उस रात खाना मैं होटल से लेकर आया था। शोभा ने कल रात के बाद पहली मरतबा रगबत से खाना खाया।
खाने के बाद चाय का दौर भी चला। चाय के दौरान भी बातें भी होती रहीं। शोभा को ये फिक्र दामनगीर थी कि उसने यहाँ गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट का जो प्रोग्राम बनाया है उस पर अब अमल नहीं हो सकेगा। क्यों, ऐसी क्या बात है, मैंने पूछा। मैं देशमुख की वजह से जयपुर से भागकर यहाँ आई थी, उसने जवाब दिया। उसने यहाँ भी मेरा खोज लगा लिया है, वो मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। ये सूरतेहाल वक्ती है, मैंने कहा। अगर जयपुर में हमारी मुलाकात हुई होती तो ये टंटना खत्म हो चुका होता। मैं मानता हूँ कि वो यहाँ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेगा। पहले तो वो अकेली समझकर तुम्हें परेशान करता रहा है, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, हम हैं ना। अब उसे सोच समझकर ही कोई कदम उठाना होगा। हमने जो प्रोग्राम बनाया था क्या उस पर अमल हो सकेगा, शोभा ने कहा। क्या रुकावट है इसमें, मैंने कहा था ना कि वक्ती परेशानी है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने इस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया और उठकर बाहर आ गया। दोनों नेपाली गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। गेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ कैबिन बने हुए थे। लंबे कद वाला सरिंदर अंदर वाले कैबिन में बैठा हुआ था और दूसरा दरमियाने कद वाला बाहर वाले कैबिन में था। मैंने सरिंदर के साथ घूम फिर कर अंदर की सूरत हाल का जायजा लिया। चार दीवारी तकरीबन 6 फुट ऊंची थी और उसके ऊपर कांटू वाले तार की बाड़ लगी हुई थी। दीवारों के अंदर की तरफ कद आवर पौधे थे, लेकिन पौधों की शाहें पतली और लचकदार थी। इन पर किसी के चढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस बंगले की पिछली तरफ खाली जगह थी। दाएं तरफ एक बरामदा था, लेकिन दोनों बंगलों के बीच में तकरीबन 15 फुट जगह खाली थी। इस तरह एक गली सी बन गई थी। बाएं तरफ 2-3 प्लाटों की जगह खाली थी, उसके बाद एक बंगला और फिर कुछ जगह खाली थी। देखने में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। सामने भी कुछ ऐसा ही हाल था, कोई भी बंगला एक दूसरे से मिला हुआ नहीं था। मैं सरिंदर के साथ देर तक बाहर की सूरत हाल का जायजा लेता रहा और फिर इन दोनों को मुख्तलिफ हदायात देने के बाद अंदर आ गया। मेरे अंदर आने के फौरन ही बाद सोनिया ने तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थीं। एक भी दरवाजा तो उसने लॉक करके उसके आगे एक भारी सोफा रख दिया था। टीवी लाउंज में ही रखा हुआ था और उसके बाद टेलीफोन में भी लाउंज में ही पड़ा हुआ था। मैं उसके करीब एक कुर्सी पर बैठ गया और रिसीवर उठाकर जयपुर में ठाकुर का नंबर मिलाने लगा। मुझे यकीन था कि वो इस वक्त होटल या रेस्टोरेंट में मौजूद होगा। मैंने रेस्टोरेंट का नंबर मिलाया और कॉल ठाकुर ने ही रिसीव की थी। मैंने ठाकुर को सूरत हाल से आगाह करते हुए कॉटेज से इस बंगले में मुंतकली का बता दिया और टेलीफोन नंबर भी नोट करा दिया। घबराओ नहीं, उसे मेरी पूरी बात सुनने के बाद कहा, मैं यहाँ देशमुख के बारे में मालूम करता हूँ, उसके बारे में जैसे ही कुछ पता चला मैं तुम्हें इतला दे दूंगा। मैं नहीं, शोभा घबरा रही है, मैंने जवाब दिया। वो कुछ अपसेट हो रही है और सोच रही है कि शायद उसे यहाँ से भी भागना पड़े। वो देशमुख के डर से कब तक और कहाँ तक भागती रहेगी, उससे कहो परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरी बात कराओ उससे, ठाकुर ने कहा। मैंने शोभा को बुलाकर रिसीवर उसके हवाले कर दिया। शोभा तकरीबन 10 मिनट तक ठाकुर से बात करती रही, फिर रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कुछ देर ठाकुर से बात की और फिर फ़ोन बंद कर दिया। वो रात भी तकरीबन जागते हुए गुजरी थी। मैंने अगरचे हिफाजत का माकूल बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन शोभा के जहन में अब भी कुछ खौफ था। अगर वो शोभा का मामला ना होता और सिर्फ सोनिया और बमला मेरे साथ होती तो मुझे ये सारा बखेड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ऐसा मफलूज या अपाहिज तो नहीं था कि मुझे अपनी हिफाजत के लिए गनमैनों की ज़रूरत पड़ती, और वैसे मैं ये बात भी जानता था कि होने वाली बात होकर ही रहती है। मैंने नहायत माकूल हिफाजती इंतजाम किए थे, लेकिन अगर कुछ होना होगा तो मैं और दोनों गनमैन भी उसे नहीं रोक सकेंगे। 2-3 दिन गुजर गए। शोभा के चेहरे का रंग भी अब फिर से भर गया था। ना सिर्फ उसके चेहरे का रंग फिर गया था, बल्कि उसके गालों पर भी फिर से सुरही नजर आने लगी थी। उसका खौफ बदतरी दूर हो रहा था। अब वो एक बार फिर से पहले की तरह चहकने लगी थी और फिर
उस दिन तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैं हसबे मामूल सुबह 6 बजे रियासत के लिए गौतम बोस के कॉटेज की तरफ चला गया था, जहाँ से मेरी वापसी 10 बजे के करीब हुई। सोनिया से तो लान में ही मुलाकात होगी। उसके होंठों पर बड़ी ही मानी हेज मुस्कुराहट थी। क्या बात है, मैंने भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। कोई औरत तुमसे मिलने के लिए आई हुई है? सोनिया ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पता नहीं। तुम लोग कब से छुप छुप कर उससे मिलते रहे हो? हमसे तो कभी तुमने इसका जिक्र ही नहीं किया। कौन औरत? मैं गड़बड़ा सा गया। मैं यहाँ किसी औरत को नहीं जानता और ना ही किसी से मिलता रहा हूँ। कौन है वो? अंदर बैठी हुई है, जाकर देख लो, सोनिया ने जवाब दिया। और उसके साथ ही ये पार्ट अपने अहतमाम को पहुंचा।